तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बीटेक में अभी हाल में ही काउंसलिंग कराई थी और उनका जो फाइनल नाम आ चुका है एडमिशन के लिए, यानी कि उनकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है और उनको फीस सबमिट करना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो फीस कैसे सबमिट की जाएगी। तो दोस्तों यार फीस सबमिट करने के क्या दो मेथड है। इस साल से पहले क्या सीन होता था कि हम SBI क्लर्क वेबसाइट पे जाते थे और वहाँ पे अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करते थे और किस टाइप की हमारी फ़ीस है, एजुकेशनल फ़ीस है या और किस तरह की फ़ीस है, तो वहाँ पे हम फीस सेलेक्ट करते थे और अपना जो हमारा रोल नंबर होता था, इनरोलमेंट नंबर होता है, वो डाल देते और DO भी डाल देते और वहाँ पे जो फीस सबमिट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता था। पर इस बार चेंज हो चुका है, हमको जो जालबाग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे फीस सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फीस कैसे सबमिट करेगी। तो मेरे पास यार क्या सीन है, रोल नंबर किसी का है नहीं, ना मेरे पास DO भी है, तो मैं बिल्कुल क्लियरली नहीं बता पाऊंगा। पर मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा फीस ऐसे सबमिट होगी। और हाँ, मेरी एक पुरानी वीडियो पड़ी है, मैं उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो में पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ़ीस कैसे सबमिट होगी, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों मैं पढ़ता था और मैंने एक दूसरे लड़के की मैंने फ़ीस सबमिट की थी बिल्कुल एक्सप्लेन करके। इस टाइम मेरे पास रोल नंबर नहीं है किसी का और ना DO भी है, नहीं तो मैं अभी एक्सप्लेन करके बताता। तो चलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि फ़ीस कैसे सबमिट होगी, मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाइए। तो यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से पहुँच ही गए होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो एडमिशन सेशन 2024-25 है यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे पे फर्स्ट सेमेस्टर मॉड्यूल फीस। तो यहाँ पे जो सेमेस्टर और मॉड्यूल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो लोगों का सेमेस्टर है तो वो अपना सेमेस्टर समझें और जो लोग जिनका मॉड्यूल है वो मॉड्यूल समझें, यानी कि जो बीटेक वाले होते हैं उनका यार सेमेस्टर होता है और डिप्लोमा ग्रुप ए वालों का उनका भी सेमेस्टर होता है, जो ग्रुप बी और सी वाले होते हैं डिप्लोमा ग्रुप बी सी उनका जो सेमेस्टर की जगह मॉड्यूल होता है। तो भाई कन्फ्यूज़ मत हो, आप इसको सेमेस्टर ही समझें बीटेक वाले ग्रुप ए वाले, और जो बी और सी वाले ग्रुप ए तो वो इसको मॉड्यूल समझें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। मैं ज़्यादा आगे तक नहीं बता पाऊँगा, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो रोल नंबर नहीं है किसी का और डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर ये चीज़ होती तो मैं बहुत फुल्ली आपको एक्सप्लेन करके बताता, पर ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव चीज़ नहीं, बहुत ही इजी तरीके से फीस सबमिट हो जाना है। अब यहाँ पे आपको जो रोल नंबर है रोल नंबर फिल कर देना, अपना जो DO भी है DO भी फिल कर देना। तो जैसे आप फिल करोगे तो आगे बढ़ जाओगे और जो जो चीज़ मांगे वो आपको देते जाना है। लास्ट में यार ऑप्शन आता है कि आपको जो पेमेंट करनी है कैसे करनी है, आपको UPI से पेमेंट करनी है। UPI से करोगे तो यार पैसा नहीं लगेगा, जीरो बैलेंस लगेगा। इंटरनेट बैंकिंग से करोगे तो यार 15 रुपये 16 रुपये चार्ज लगेगा, या फिर और कोई सी मेथड से करते हो डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से तो वहाँ पर भी चार्ज करेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग जो पेमेंट करना वो UPI से पेमेंट करना बिल्कुल इजी तरीके से। और हाँ यार, मेरे पास एक वीडियो पुरानी मैंने डाल के रखी है, मैं उसके जो लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वो वीडियो जरूर देखने का। हालांकि वो जो वीडियो है उसमें पहले SBI कलेक्ट से यानी कि SBI की जो वेबसाइट होती थी वहाँ से फीस सबमिट होती थी, अब ऐसा सीन नहीं है, अब डायरेक्ट DI की जालबाग की वेबसाइट से फीस को सबमिट किया जा रहा है। पर हाँ, प्रोसेस सेम है दोस्तों, जो उसमें प्रोसेस था वही प्रोसेस इसमें। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको बहुत ही आइडिया मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा और भी कोई आपके डाउट हैं तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।